कैसे मेरे प्यारे मस्त वाले भाई लोग, थंबनेल आपने देख ली है और ये वीडियो बनाने की जो मेरे को प्रेरणा या चुल लड़ी है वो कल शाम को मेरे बड़े भैया के साथ डिस्कशन हो रही थी जो ये सुपर बाइक्स की ब्रेक्स के ऊपर। तो भैया बोल रहे हैं कि भाई अगर तू इतनी नॉलेज रखता है तो वीडियो क्यों नहीं बना रहता, तेरे पास इतनी बाइक्स खड़ी हैं तो बना दे ये वीडियो, अगर तू बना सकता है तो नॉलेज वाला शेयर कर दे नॉलेज सब भाई लोगों के बीच में जिनको पता नहीं है कि जो ये रेडियल एक्सियल जो तू बोल रहा है ब्रेक्स जो होती हैं वो क्या होती है और जो ऊपर मास्टर सिलेंडर जो होते हैं वो भी सेम नेम के होते हैं, क्या फ़र्क होता है उनमें, क्या चीज़ें होती, कैसे उसको पहचाना जाता है, तू क्यों नहीं नॉलेज देता। तो मैंने कहा यार चलो एक काम करते हैं, ये पूरा का पूरा एक वीडियो बना देते हैं कि जो रेडियल या एक्सियल ब्रेक कैलिपर्स होते हैं, ब्रेक्स होती हैं, वो कैसे दिखती हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे इनको पहचाना जाता है, फुल डिटेल बताएंगे। एंड देन मास्टर सिलेंडर जो ऊपर ब्रेक के लिए होता है, रेडियल और एक्सियल कैसे होता है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो भाई ये नॉलेज वाला वीडियो है, बने रहना वीडियो के अंदर, स्किप फॉरवर्ड मत करना वरना कुछ ना कुछ मिस करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहेगा तो भाई वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन खुला कमेंट कर देना। ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट करते, वीडियो शुरू करते हैं। ये पार्किंग में यहाँ पे लगाते हैं हम लोग और ये है मेरी प्यारी दुलारी Z900 और ये दोनों बाइक्स खड़ी हैं यामाहा मोटो मुरिनी समीजियो 650। वो वीडियो बना रहे हैं हम रेडियल ब्रेक्स और एक्सियल ब्रेक्स होती क्या है, उसको पहचाना कैसे जाता है कि जिस बाइक में भी USD फोक्स लगे होते हैं, जैसे ये अपसाइड डाउन शॉकर्स हैं, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी रेडियल ब्रेक। तो रेडियल ब्रेक जो होती है वो पार्ट ऑफ द USD फोक होती है, जैसे ये पूरा का पूरा USD फोक ये यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है और जो ब्रेक कैलिपर है इसके साथ यहाँ पे लगाया गया है, तो ये इसका पार्ट होता है और ये इसके पैरेलल लगती है। मतलब ये देखो यहाँ पे लगा है, इसके साथ यहाँ पे लगी है तो ये ब्रेम्बो ब्रेक। और जो इसकी ब्रेकिंग होती है वो पकड़ बिल्कुल सही होती, जैसे भी आप ब्रेक लगाते हो तो जो ब्रेकिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है रेडियल ब्रेक्स में। जो आपको ध्यान में रखना होगा कि रेडियल ब्रेक होती क्या है, तो मतलब सबसे पहले जिसमें भी USD फोक लगे होंगे उसमें लगेगी रेडियल ब्रेक्स, ओके। एंड कैलिपर कुछ भी हो सकता है, मतलब ब्रेम्बो हो सकता है, बाबी हो सकता है, निसन भी हो सकते हैं डिफरेंट, मगर जिसको बोलते हैं रेडियल वो यही पहचान होती है रेड। बात करेंगे एक्सियल ब्रेक्स क्या होती हैं, तो एक्सियल ब्रेक को पहचानना कैसे है, जिस बाइक में टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन लगी होती है उसमें लगेंगी एक्सियल ब्रेक्स। और अब आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कि एक्सियल ब्रेक को पहचाना कैसे आता है। एक तो यहाँ पे लगी टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, बट ये जो है ये पार्ट नहीं होता, तो यहाँ पे अलग नट के साथ इसको अटैच किया जाता है परपेंडिकुलर। ये देखो ना, ये देखो यहाँ पे ये पार्ट है, यहाँ पे दो नट लगाए गए हैं एक्स्ट्रा बाहर को एंड उसके साथ अटैच करी गई है परपेंडिकुलर। और ये बाबरी के हैं, है तो ब्रेम्बो की कंपनी, बट जो ब्रेकिंग होती है वो भी ठीक होती है, बट ये क्लिपिंग जो होती है ना वो नीचे से लगती है, तो ब्रेकिंग तो स्ट्रॉन्ग होती है। पहचाना इसको ऐसे ही जाता है, जिस बाइक में टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन है उसमें लगेंगी आपकी एक्सियल ब्रेक। तो हमने रेडियल और एक्सियल ब्रेक्स की बात कर ली, तो अब आते हैं मास्टर सिलेंडर के ऊपर जो यहाँ पे लगा होता है ब्रेक लगाने के लिए। तो ये चीज़ ये भी वही होते हैं एक्सियल और रेडियल, इनको पहचाना कैसे जाता है, तो सबसे पहले तो नज़दीक से दिखाता हूँ। जो एक्सियल होते हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, इनकी पहचान ये होती है, ये बिल्कुल हैंडल के साथ ही अटैच हुए होते हैं। और जब आप ये ब्रेक को लगाते हैं, नज़दीक से देखना, अब जब ये ब्रेक को लगाओगे ना, ये देखो ये मूवमेंट देख रहे हो, ये देखो ये अंदर को जा रही है, पिस्टन जो है अंदर को मूव हो रहा है, ये देखो अंदर को मूव हो रहा है और ये जा रहा है हैंडल के पैरेलल, पिस्टन मूव हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो है ये एक्सियल ब्रेक है। यहाँ से ब्रेक फ्लूइड का पता चलता है, जब आप इसको दबाते हो तो ये जो वायर है यहाँ से ब्रेक फ्लूइड नीचे पास होता है ब्रेक्स में और ब्रेक कैलिपर काम करता है, ब्रेक लगती है। ऐसा नहीं है कि एक्सियल ब्रेक में ब्रेकिंग थोड़ी सी कम लगे कंपैरेटिवली टू रेडियल। तो रेडियल कैसे पहचाना जाएगा, तो रेडियल में क्या होता है, जैसे ये पैरेलल है,
जैसे ये पैरेलल जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, जो पिस्टन होता है वो ऊपर से नीचे को पुश होता है। जब आप दबाएंगे तो ये जो पिस्टन होगा ये ऊपर से नीचे को आएगा, और जो ये डब्बी होती है फ्लूइड वाली वो आपको दूसरी दिखेगी, प्लास्टिक वाली साइड पे लगी हुई। तो एक काम करूँगा, दूसरी बाइक दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास नहीं है जिसमें रेडियल मास्टर सिलेंडर लगा हुआ है, तो दूसरी बाइक पे दिखाएंगे एक जगह जाके आपको रेडियल मास्टर सिलेंडर। और जो रेडियल मास्टर सिलेंडर होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, कॉस्टली होता है एज कंपेरेटिवली टू दी एक्सियल मास्टर सिलेंडर। तो रेडियल मास्टर सिलेंडर से जो ब्रेकिंग करते हो बहुत हार्ड होती है, 300 की स्पीड पे अगर ब्रेक लगाते हो तो बहुत हार्ड ब्रेकिंग लगती है, तो बाइक रुकती है। ये भी एक्सियल है, यहाँ से देखो नीचे को पिस्टन अंदर को मूव हो रहा है, एंड दिस इज एक्सियल, क्योंकि ये फिक्स्ड डब्बी वाला है हैंडल के साथ। एंड एक्सियल आपका ब्रेक है और एक्सियल आपका मास्टर सिलेंडर है। इसमें 900 पे भी आपको रेडियल ब्रेक्स दिखेंगी, और जो मास्टर सिलेंडर है वो एक्सियल का है, निसन का। एंड ये देखो, ये हिला रहा हूँ, ब्रेक फ्लूइड दिख रहा है ना, हिल रहा है। तो अगर मैं ब्रेक लगाता हूँ तो वो देखो पिस्टन अंदर को मूव हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा है। इस पे मैंने 200 प्लस की स्पीड पे ब्रेक मारी है यार, तो हार्ड ब्रेकिंग इस पे भी होती है, बढ़िया होती है, एक्सियल अच्छा काम करता है। बट रेडियल महंगा होने कारण कंपनीज नहीं लगाती, प्रीमियम होता है। तो इस चक्कर में एक काम करते हैं, दूसरी बाइक के ऊपर क्लिप बनाने के लिए मेरे को लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, मिलते हैं वहाँ पे। सो दिस इज़ डुकाटी V4, तो इसमें लगे हैं रेडियल वाले। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपका जो फ्लूइड है वो साइड पे एक छोटी सी डब्बी में आता है। अब बात करते हैं मेन चीज़ की। तो ये देखो, जैसे मैंने पहले बताया था आपको के एक्सिल में यहाँ पे साइड पे जलता है, इसमें पिस्टन आगे से आता है। ये देखो ऊपर से आ रहा है ना नीचे को, एंड टू परपेंडिकुलर टू दी हैंडल। ये देखो ये ऊपर से नीचे आएगा, तो ये होती है रेडियल मास्टर सिलेंडर की पहचान, ठीक है, ऊपर से नीचे। एंड दिस इज ब्रेम्बो, एंड ये देखो इसमें ब्रेम्बो ब्रेक्स लगी हैं, एंड दिस इज दी रेडियल ब्रेक्स। कैसा लग रहा आपको, है ना बढ़िया? तो मतलब सिंपल है, ये महंगी बातचीत। तो कौन कौन सी सुपर बाइक्स के अंदर रेडियल मास्टर सिलेंडर देखने को मिलेंगे? काटी की बाइक्स में मिलेगा, मोटो जीपी वाली बाइक्स में मिलेंगे आपको, बीएमडब्ल्यू में मिलेंगे, देन आपकी जो कावासाकी निंजा ZX10R, निंजा H2, फिर आपकी होंडा CBR 1000RR है, देन यामाहा R1, मतलब ये जो लीटर क्लास वाली जो सुपर बाइक्स हैं जिन बाइक्स में ब्रेम्बो ब्रेक कैलिपर्स आते हैं, तो उनमें आपको मास्टर सिलेंडर जो होगा पिस्टन ऊपर से पिन वाला जो अंदर को आएगा, तो वो होगा रेडियल वाला। महंगी बातचीत है, बट ये चीज़ है कि जो ब्रेकिंग है वो हार्ड होती है, बहुत ज़बरदस्त हाई स्पीड के अंदर 300 की स्पीड में आके ब्रेकिंग लगाओ तो भाई बहुत ज़बरदस्त ब्रेकिंग लगती है, तभी करके महंगी बातचीत है, महंगी होती है ब्रेम्बो ब्रेक कैलिपर्स और ब्रेम्बो का मास्टर सिलेंडर। ऐसा नहीं कि एक्सल वाले ब्रेक कैलिपर्स जो हैं वो हार्ड ब्रेकिंग ही होती, भाई होती हैं, मगर उनकी कॉस्टिंग जो है ना वो थोड़ी हल्की होती, थोड़ी कम होती, इसलिए कंपनी जो है कॉस्ट के हिसाब से उनको उस वाले ब्रेक कैलिपर्स और मास्टर सिलेंडर को लगाती हैं एक्सिल वाले को। अगर कॉस्टिंग की बात ना हो तो भाई रेडियल लग जाएंगे। तो प्यारे भाइयों, ये नॉलेज वाला वीडियो जिसमें हमने पूरी की पूरी आपको नॉलेज दी है कि रेडियल ब्रेक्स और एक्सिल ब्रेक्स में क्या फ़र्क होता है, या रेडियल या एक्सियल मास्टर सिलेंडर में क्या फ़र्क होता है, कैसे वर्किंग होती है, तो दोनों में आप कैसे फ़र्क देख सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो रेडियल और एक्सियल मास्टर सिलेंडर या ब्रेक कैलिपर्स में, फुल नॉलेज दी है यार। ये नॉलेज वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो कर दी सबसे पहले लाइक, वीडियो कर दिए शेयर अपने दोस्तों अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कॉमेंट सेक्शन खुला कॉमेंट कर देना, एंड नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर लीजिए, नीचे लाल वाला बटन दबा के घंटे वाले बटन को दबा दो नोटिफिकेशन के लिए, इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, नीचे आईडी आ रही है। मिलते किसी और वीडियो में सबके साथ एक बार फिर, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।